गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम खजूर लड्डू बनाने वाले हैं। ये पूरा ड्राई फ्रूट से युक्त रहता है, विटामिन से भरपूर रहता है। तो देख लेते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से खजूर का बीज निकाल के ले लिए हैं, ये 250 ग्राम है। 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं, 50 ग्राम काजू ले लिए हैं और 50 ग्राम ही किशमिश लिए हैं, और 1 चम्मच पिस्ता लिए हैं और 2 चम्मच शुद्ध घी ले लिए हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल देना है। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा पिघल गया है, इसी में ये बादाम है इसको भुनना है, मीडियम फ्लेम में ही इसको भुनना है। और इसके बाद इसी में काजू को भी भून लेते हैं। इसको थोड़ा देर भुनने के बाद ये थोड़ा से पिस्ता है इसको भी इसी में डाल देना है। पिस्ता को बाद में डाले हैं क्योंकि वो जल्दी भुन जाएगा, छोटा छोटा रहता है तो। और इसके बाद सिर्फ 1 मिनट ही भुनना है। अब ये भुना गया हमारा, इसको अब अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद थोड़ा से और इसमें घी डालना है और इसको भी मध्यम आंच में ही इसको भुनना है। किशमिश है, ये जल्दी भुना जाता है। किशमिश को भी भून के तैयार कर लिए हैं, अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं इसको भी। इसके बाद ये थोड़ा से बचा हुआ घी है इसको भी डाल देना है। और ये खजूर है, इसको बिल्कुल धीमा आंच में इसको मेल्ट होने देना है। खजूर को सॉफ्ट हो जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं ले ली हूँ। और ये खजूर बहुत ही अच्छा पका हुआ है, ये इसका बीज को निकाल के लिए हैं। धीमी आंच में थोड़ा देर पकाने के बाद इस तरह से देखिए कैसे एक जगह ये बंध जा रहा है और पूरा डो की तरह हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। ये काजू और बादाम हमारा ठंडा हो गया है तो इसको खलबट्टा में भी दरदराई इसको कूट सकते हैं, क्योंकि मिक्सी में नहीं पीसना है। मिक्सी में पीसने से इसका ज़्यादा पाउडर बन जाएगा तो लड्डू अच्छा नहीं लगेगा। तो खलबट्टा यदि नहीं है तो इस तरह से एक पॉलीथीन ले लें और इसमें ऐसे डाल लेना है इस तरह से, इस तरह से इसको ऐसे कूट देना है इस तरह से। देखिए इसको एक एक करके इस तरह से करने पर देखिए बढ़िया आ रहा है। इसी तरह से दरदरा हमको इसको करना है। ये देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कूट लिए हैं, अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से। इसके बाद ये खजूर को रखे हैं उसी में इसको डाल देना है और इसको भी डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हमको मिलाना है। इस तरह से इसको एक डो की तरह बना लिए हैं। अब इसको हमको छोटा 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 इस तरह से काट के आसानी से इसका लड्डू बनाया जा सकता है ऐसे करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा से चिपचिपा है ये। इस तरह से देखिए खजूर का लड्डू कैसे बन के तैयार हो गया है, बहुत ही इसी तरह से पूरा लड्डू को बना ले रहे हैं। तरह से देखिए खजूर लड्डू मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो गया है ये। न इसमें गुड़ डालते हैं न चीनी डालते हैं, सिर्फ 1 चम्मच घी से ही ये कितना स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और पूरा विटामिन से भरपूर है, इसमें विटामिन, आयरन, प्रोटीन सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व हैं, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सर्दी के मौसम में इस तरह से लड्डू बना के आप लोग खाएँ। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।